In this video, we are going to discuss about glycolysis, right? Very important for examination point of view. Flowchart को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे ये process होती है, होती कहाँ है, properly. Try to understand and learn it today itself. So glycolysis जो है, सबसे पहले होगी कहाँ? Cytoplasm of cell में होगी. Site or place where it will occur is cytoplasm of cell. Glycolysis is also called EMP pathway, means EMP की full form है Ambedon, Meyerhoff and Parnas. ये तीन scientists थे जिन्होंने इसकी process को discuss किया था और बताया था इसके बारे में, ठीक है? Short form में glycolysis में होगा क्या? Glucose is going to break down into two molecules of pyruvic acid. Glucose जो है that is a 6-carbon compound and pyruvic acid that is a 3-carbon compound. ठीक है, और ग्लाइकोलाइसिस जो है एक कॉमन स्टेप है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए. ठीक है, अब देखते हैं ये होती कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. ठीक है, और इस स्टेप में एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होता है. यूज होगा तो एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट दैट इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट. मतलब कि एक फॉस्फोरस ग्रुप, फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो जाएगा, मीन्स ग्लूकोज ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. अब क्योंकि एटीपी इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पर, तो एंजाइम जो इन्वॉल्व है दैट विल बी नोन एज हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोराइलेज. जहां पर भी एटीपी की इन्वॉल्वमेंट होती है वहां पर काइनेज एंजाइम यूज होता है. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट. ठीक है, ये अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. एंजाइम भी आइसोमरेज ही यूज होगा, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, और सिंपली आप आइसोमरेज भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर से एक एटीपी यूज हुआ, मैग्नीशियम आयंस यहां पर भी यूज हो रहे थे, यहां भी यूज हुए. एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. देखिए काइनेज वर्ड फिर से आया, एटीपी की इन्वॉल्वमेंट फिर हो गई. यहां भी काइनेज वर्ड था, एटीपी की इन्वॉल्वमेंट जरूर थी. यहां पर भी एक फॉस्फोरस ऐड हो रहा है. ठीक है, उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट बनने के बाद इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. ये फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट जो है इसकी लाइसिस हो जाएगी, है ना. ये दो टाइप के एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को हम शॉर्ट फॉर्म में DHAP भी बोलते हैं. ठीक है, इट इज अ 3-कार्बन कंपाउंड, DHAP. एंजाइम जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो एल्डोलेज है. ठीक है, फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट किस किस में कन्वर्ट हो रहा है? DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. ठीक है, ये भी 3-कार्बन कंपाउंड है. ये आपस में भी इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, आइसोमराइजेशन इनकी भी हो जाती है. ठीक है, एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है यहाँ पर दैट इज फॉस्फो ट्रायोज आइसोमरेज. ओके, नाउ ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर बने हैं. अब हमने आगे की पूरी प्रोसेस को 2 मॉलिक्यूल्स को ध्यान में रखते हुए मूव करना है फॉरवर्ड. ठीक है, तो और यहाँ पर जी ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ओके, इसके भी कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने. एंजाइम कौन सा यूज हुआ यहाँ पर? ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज. एंड साथ ही साथ यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NAD दे गॉट कन्वर्टेड इन टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH2. NAD की फुल फॉर्म होती है निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है दैट विल गेट कन्वर्टेड इन टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. अगेन कितने मॉलिक्यूल्स इसके बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स. एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज. अगेन ATP इज यूज्ड. ATP के 2 मॉलिक्यूल्स अब बनेंगे. पहले हमने ATP यूज किया था, अब यहाँ पर ATP बनेगा. बट क्योंकि ये सब चीज़ें 2-2 मॉलिक्यूल्स ही हैं तो ATP भी कितने फॉर्मेशन होगी, कितने ATP मॉलिक्यूल्स की? 2 ATP मॉलिक्यूल्स की. मीन्स 2 ADP से 2 ATP बन रहे हैं.
फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्दर जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स. एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड डिहाइड्रेशन अंडरगो करेगा, वाटर निकल जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड. फिर से कितने मॉलिक्यूल्स? 2. एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज इनोलेज. फॉस्फोइनॉल पाइरुविक एसिड में भी अभी भी पाइरुविक एसिड है. फॉस्फोनॉल पाइरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पाइरुवेट काइनेज विल गेट कन्वर्टेड इनटू पाइरुविक एसिड. अगेन 2 ATPs विल बी प्रोड्यूस्ड. एंजाइम इन्वॉल्व्ड इज पाइरुवेट काइनेज. तो हम अब देखते हैं यहां पर कि एटीपी की नेट गेन कितनी हुई. देखिए ये 2 ATP बने, यहां भी 2 ATP बने, मींस 2+2 = 4 एंड 4 में से 1 मॉलिक्यूल यूज यहां हुआ, 1 मॉलिक्यूल यूज यहां हुआ. इट मींस 4 - 2, 4 - 2 = 2. तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान नेट गेन ऑफ एटीपी कितनी होती है? 4 - 2 = 2. ठीक है, बट यहां पर एक और चीज भी देखने को मिल रही है कि ग्रॉस गेन ऑफ एटीपी भी यहां पर होगी, है ना. उस चीज को समझने के लिए हम थोड़ा सा यहां पर इस चीज को ध्यान देते हैं कि यहां पर 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स बने हैं, और अगर 1 NADPH2 का मॉलिक्यूल, मैं क्या बोल रही हूं, 1 NADPH2 का मॉलिक्यूल 3 ATP देता है, तो 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स कितने ATP देंगे? 6 देंगे. ठीक है, 1 NADPH2 दे रहा है 3, तो 2 कितने देंगे? 3 × 2 = 6. मींस यहां पर 2 NADPH2 बने हैं, तो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 6 ATP मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो 6 ATP मॉलिक्यूल्स यहां पर हो गए, ये वाले NADPH2 से बने जो, और 2 तो ये पहले से ही थे, तो 6+2 = 8. सो इस चीज को ध्यान रखिए कि नेट गेन ऑफ एटीपी कितनी होती है ग्लाइकोलाइसिस में? 2, और ग्रॉस गेन ऑफ एटीपी कितनी होती है? 2+6 = 8. ये जो नेट गेन है, ये नेट गेन है आपकी पॉकेट में जो कैश मनी होता है. बट कई बार आपकी पॉकेट में कैश मनी हो ना होते हुए चेक भी हो सकता है, क्योंकि उसको वो आपके हाथ में नहीं है वो पैसा, बट चेक के रूप में है. तो ग्रॉस गेन ऑफ एटीपी हुई 8 और नेट गेन ऑफ एटीपी कितनी हुई? 2. ये मनी आपकी पॉकेट में है, ये आपके पास एक चेक के रूप में है. तो इन दोनों चीजों को कंफ्यूज मत कीजिए. नेट गेन ऑफ एटीपी 2 होगा, ग्रॉस गेन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज 8 ATPs. ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक प्रॉपरली बाय लुकिंग एट द वीडियो.